आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 सेक्टर्स के 10 स्टॉक्स बताने वाला हूं और ये 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें इस बजट में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और आज मेरे पास आपको बताने के लिए इतना कुछ है कि मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल का बजट एक वेलफेयर बजट होने वाला है। अगर आपने इस इलेक्शन की थोड़ी भी एनालिसिस की होगी तो आपको पता होगा कि बीजेपी शहरों में तो जीती है लेकिन गांव में उन्हें कई सीट्स गंवानी पड़ी है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट इस साल एक पीपल्स बजट बना सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट को रूरल स्पेंडिंग बढ़ाना होगा और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स बेनिफिट देना होगा। और इन दोनों केसेस में एक सेक्टर है जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है और वो है FMCG सेक्टर। अगर रूरल स्पेंडिंग बढ़ी तो गांव वालों के हाथ में पैसा आएगा और अगर इनकम टैक्स बेनिफिट मिला तो आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा। इस पैसे से वो घर या गाड़ी नहीं खरीद सकते बल्कि इस पैसे को वो अपने रोजमर्रा की चीजों में खर्च करेंगे। जैसे आज अगर वो महीने में 10 किलो चावल खाते हैं तो पैसा बचने के बाद वो 20 किलो चावल नहीं खाएंगे बल्कि वो थोड़ा महंगा चावल खरीदेंगे। इससे कंपनी के वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदा बल्कि इससे कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ आएगी। ये केस है सैलरीड क्लास के लोगों के साथ, लेकिन गांव के केस में ये जस्ट उल्टा हो जाता है क्योंकि जो गांव के लोग पैसे के कमी के वजह से लोकल या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे अब वो वापस से पैराशूट, निहार, फेयर एंड लवली और कोलगेट जैसे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे और इससे मैरिको, HUL और ब्रिटानिया जैसी कंपनीज का सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सबसे पहला स्टॉक है LT फूड्स। आपने दावत राइस का नाम तो सुना ही होगा, ये इसी कंपनी का ब्रांड है। और इसके अलावा इस कंपनी के पास रॉयल, हेरिटेज और दिवाया जैसे कई सारे ब्रांड्स हैं। दावत का इंडिया के राइस मार्केट में 30% का मार्केट शेयर है। ये कंपनी राइस की एक मेजर एक्सपोर्टर है और ये USA, यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपने राइस को एक्सपोर्ट करती है। अगला स्टॉक है पराग मिल्क फूड्स। इस कंपनी को आप इस नाम से भले ना पहचाने लेकिन कभी ना कभी आपने इसके प्रोडक्ट जरूर यूज किए होंगे जिसमें गो चीज, गोवर्धन घी और टॉपअप फ्लेवर्ड मिल्क इनके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इनके पास इंडिया के घी मार्केट का 20% मार्केट शेयर है और चीज मार्केट का 35% मार्केट शेयर। इनके पास इंडिया में 4.6 लाख रिटेल टच पॉइंट्स हैं और इनका टारगेट है कि साल 2027 तक ये नंबर 15 लाख तक पहुंच जाए। इनकी सबसे खास बात है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मानचर, पालमर और सोनीपत जैसे मिल्क रिच बेल्ट्स में लोकेटेड है और इस वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा पर दूध का बिजनेस एक बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है। यहां सारा खेल वॉल्यूम का होता है, जो जितना ज्यादा बेचेगा उतना ज्यादा कमाएगा। और ऐसे लो मार्जिन बिजनेस में अगर आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, आपको स्क्रीन में एक चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ए कप एंड हैंडल, बी पेनेंट, सी फ्लैग एंड पोल या फिर डी हेड एंड शोल्डर्स। आपको बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और जिसने भी सही जवाब दिया मैं अगले वीडियो में उनका नाम बताऊंगा। अगला सेक्टर है एग्रीकल्चर। रूरल स्पेंडिंग बढ़े और एग्रीकल्चर को बेनिफिट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर्स में 12-18% तक GST है और यही वजह है कि इंडिया की 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज होने के बावजूद इसका हर साल GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि इंडस्ट्री लीडर्स ने इस साल पहले से ज्यादा मजबूत आवाज उठाई है और गवर्नमेंट को इस साल कई सारे चेंजेस करने को कहा है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना। वॉल्जा डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर मशीनरी इंपोर्टर है। इसके अलावा इंडिया फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स भी इंपोर्ट करता है और इंडिया इन सब चीजों को ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है चीप प्राइसिंग। इंडिया में हाई GST होने की वजह से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाइना के मुकाबले महंगे हो जाते हैं और इसी को रोकने के लिए इंडस्ट्री लीडर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो फर्टिलाइजर्स में लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% में ले आए। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो एग्रीकल्चर में लगने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाए, इससे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि इस बजट में गवर्नमेंट 5% GST वाले फर्टिलाइजर्स को GST से एग्जेम्प्ट कर देगी और 18% GST वाले फर्टिलाइजर्स को 5% में ले आएगी, जिससे फर्टिलाइजर्स में ओवरऑल लगने वाले GST कम हो जाए। सबसे पहला एग्रीकल्चर स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस कंपनी का यूनिक ग्रेड फर्टिलाइजर्स में 40% का मार्केट शेयर है और ये कंपनी इंडिया में सिंगल सुपर फॉस्फेट्स की मार्केट लीडर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कंपनी फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा नाम है। अजैडिरैक्टिन,
जो नीम से बनने वाला एक बायोपेस्टिसाइड है, यह कंपनी दुनिया में इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और यह कंपनी एज़ाडेरेक्टिन का 60% एक्सपोर्ट करती है। अगला स्टॉक है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। हाई जीएसटी के बाद एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस। इस साल बारिश अपने फोरकास्ट से भी कम हुई है और हर बढ़ते साल में बारिश कम होती जा रही है। ऐसे में खेतों के अंदर पानी पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और यहां काम आती है पाइप्स। इन्हीं पाइप्स की मदद से पानी को अपने सोर्स से खेतों तक पहुंचाया जाता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एग्री पाइप सेगमेंट में इंडिया की मार्केट लीडर है। इसके पास पूरे मार्केट का 25% शेयर है। एग्रीकल्चर पाइप के अलावा ये कंपनी प्लंबिंग और कास्टिंग पाइप्स भी बनाती है और कंपनी का कहना है कि ये आने वाले वक्त में एग्री पाइप सेगमेंट में एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। अगला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 11.11 लाख करोड़ एलोकेट करने का प्लान किया है, जो पूरे जीडीपी का 3.4% है। अगर किसी सेक्टर में जीडीपी का 3.4% एलोकेट किया जा रहा है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सेक्टर गवर्नमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और हमारी गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है कि वो केपेक्स लेड ग्रोथ करेगी, यानी वो रोड, एयरपोर्ट, ब्रिज, इन सब चीजों में पैसा खर्च करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ दो सेक्टर्स है, रेलवे और सीमेंट सेक्टर। इस बजट में रेलवे को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, खासकर इसके सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बीते कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स हमारे देश में इतनी बड़ी चीज है कि इसके वजह से हमारे देश के 4 रेलवे मिनिस्टर्स को रिजाइन तक करना पड़ गया था। देखिए, इंडिया में ट्रेन की दो बड़ी प्रॉब्लम्स है, पहला रेल एक्सीडेंट्स और दूसरा ट्रेन की कमी। रेलवे का कवच सिस्टम इस बजट का मेन फोकस हो सकता है और कवच सिस्टम को डेवलप करने वाली एक इंपॉर्टेंट कंपनी है HBL पावर। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल रेलवे इंजीनियरिंग में एक जानी मानी कंपनी है। ये इंडिया की अकेली ऐसी PSU कंपनी है जो वर्ल्ड के टॉप 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स के लिस्ट में शामिल है। अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर का, तो ये इस बजट की एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। मतलब इसको लेकर बजट में कोई अनाउंसमेंट होने के चांसेस तो कम है, लेकिन अगर किसी भी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कोई अनाउंसमेंट होता है, तो इसको फायदा मिलना ही है। और पूरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। और इस वजह से आपने ये न्यूज कभी नहीं सुना होगा कि चाइना ने इंडिया में सीमेंट डंप कर दिया, इस वजह से सीमेंट के दाम कम हो गए। इसके अलावा इंडिया में सीमेंट का कार्टेल बहुत ही स्ट्रांग है, वो कभी भी सीमेंट के दाम कम होने नहीं देते। इसके अलावा ये न्यूज आ रही है कि इस बजट में सीमेंट में जीएसटी कम हो सकता है। पहले जहां सीमेंट में 28% जीएसटी लगता था, अब वो घटकर 18% हो सकता है। फंडामेंटली मुझे सीमेंट्स के दो स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं, एक ACC और दूसरा अल्ट्राटेक। जो अगला सेक्टर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बजट में AI को लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, खासकर डीप फेक और साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जो सरकार के लिए एक बड़ी सरदर्द बन चुके हैं। आप रणवीर सिंह के इस वीडियो को देखिए। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन। कोई आम इंसान इसे ओरिजिनल मान लेगा, लेकिन यह वीडियो फेक है। सिर्फ एक्टर से नहीं, बड़े पॉलिटिशियंस जैसे बराक ओबामा, जस्टिन ट्रूडो और जो बाइडेन भी इस डीप फेक के शिकार हो चुके हैं। और उम्मीद किया जा रहा है कि इस बजट में डीप फेक को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। अगला कंसर्न है साइबर सिक्योरिटी। बीते कुछ सालों में साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और मेनली ये 3 एरियाज में होती है, डिफेंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और बैंक्स। आपको याद होगा 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट में एक साइबर अटैक हुई थी, जिसके वजह से दुनिया के कई एयरपोर्ट्स, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और बैंक्स थोड़े देर के लिए बंद हो गए थे। पिछले 10 महीनों के अंदर बैंक्स में 13 लाख साइबर अटैक्स हो चुके हैं। ये साइबर अटैक्स इतने खतरनाक थे कि RBI को एक वार्निंग जारी करनी पड़ी। क्विक हिल टेक्नोलॉजी इंडिया में साइबर सिक्योरिटी का मार्केट लीडर है, जिसके पास इस मार्केट का 30% मार्केट शेयर है। ये US आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी कंसोर्टियम में लिस्ट होने वाली अकेली इंडियन कंपनी थी। ये कंपनी अपना 46% रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है और इस कंपनी ने IIM नागपुर और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप भी की है। लेकिन इस कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम है, पिछले कुछ सालों से इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन काफी कम हो गया है और इसका रीजन है हाई मार्केटिंग एक्सपेंस। लेकिन इस खर्च को कम करने की वजह से इस साल इसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और अगर गवर्नमेंट इस बजट में साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई अनाउंसमेंट करती है, तो इस कंपनी को खासा फायदा हो सकता है। अगला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इस सेक्टर में खर्च करना गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया ने पेरिस समिट में यह एश्योरेंस दिया है कि वो साल 2030 तक अपने कार्बन एमिशन को 45% कम कर देंगे।
और अगर वो ये अचीव नहीं कर पाए तो इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की इमेज खराब हो जाएगी। यही वजह है कि पिछले कुछ बजट्स में इंडिया ग्रीन एनर्जी में अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती जा रही है, और रिपोर्ट्स है कि गवर्नमेंट इस बजट में ग्रीन एनर्जी के कंपोनेंट्स में अपने जीएसटी को कम कर सकती है, और ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी। अगर आज आपको अपने घर में सोलर पैनल लगवाना है तो इजिली आपको 1.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि हम ग्रीन एनर्जी में स्विच करें और दूसरी तरफ उसमें जीएसटी 12% और 18% है। साल 2030 तक गवर्नमेंट का प्लान है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी में $360 बिलियन इन्वेस्ट करे, और एक्सपेक्टेशन है कि इस बजट में वो अपने एलोकेशन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा इस बजट में ग्रीन फाइनेंसिंग को बूस्ट मिल सकता है, और ये बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरिम बजट में भी की थी। ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो भी कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है उन्हें या तो सस्ते रेट में लोन देना या फिर उन्हें सब्सिडीज देना। इससे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को बूस्ट मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का एक अच्छा स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन। ये कंपनी इंडिया की लीडिंग सोलर ईपीसी प्रोवाइडर है। ये कंपनी एक टर्न अराउंड कंपनी है, मतलब पहले ये कंपनी लॉस में थी लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। ये कंपनी 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इसके पास 8000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है। अपने रीसेंट कॉन्कॉल में ये कंपनी ने कहा कि वो आने वाले वक्त में प्रॉफिटेबल रहेंगे और अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने सोलर सेक्टर को कवर नहीं किया है जो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी सेक्टर बनने वाली है। अगर आपको सोलर सेक्टर और उनके 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।